प्यारे बच्चों, अब्बू आ रहे हैं। असल मौत का खेल जो है ना, वो कल से शुरू है। पाकिस्तान तो गयो, खत्म, टाटा बाय बाय। कप्तान और नंबर वन बल्लेबाज किंग बाबर की माँ बेंज। मजा आया क्यों भाई? बाबर निकलवा लिया अपना गोबर। अब जनाब कुछ खेल की बात करते हैं, और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने आएंगी। आ गई मेरी लोमड़ी। कि आज हमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है, कोशिश करनी है कि हम 400 के करीब तक रन बनाएं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। जो दूसरी टीम है वो भी जाहिर है हल्की टीम नहीं है, उसको भी थोड़ा सा मौका मिले इधर एफर्ट करने का। तो अल्लाह करे, हमारी बेस्ट विशेस साजिद साहब हमारी टीम के साथ हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। कुछ हमारे जो ज्योतिषी हैं उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि आज का मैच हमारा है, हमने जीतना है। बड़ा बोल नहीं बोल, क्या कहते हैं सियाने, कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। फिजा सूजी या सूजी क्या बोलती थी बेगम? इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, बाबर 11 के कदमों की धमक से स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। ये कोई नचनिया है? इससे अच्छा इसके बल्ले की तारीफ करती, खिलाड़ियों की तारीफ करती, बल्ले की तारीफ करती तो आज ये हगते नहीं। आज पाकिस्तान को 400 रन बनाने पड़ेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्यों बे पोर, क्यों ले लिया वर्ल्ड कप? सूजी या सूजी हलवा पकाए। साउथ अफ्रीका ने 8 दफा 400 रन बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की बारी है। तो बेटा पाकिस्तान इस पूरे वर्ल्ड कप से क्या सीखा? कि वर्ल्ड कप तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से एक कप ले जाना जिसमें भीख मांगते रहना, अपने पीएम को दे देना, ठीक है? वो पूरी दुनिया से भीख मांग के लेकर आएगा, तुम्हारी सैलरी दे देगा। 5 महीने से क्रिकेटर की सैलरी नहीं दी है तो बेचारों में जज्बा कहाँ से आएगा यार खेलने का? 400 रन साजिद भाई डरा रहे हैं आप तो। हलवा खाएं और सो जाएं। जितना प्राउड मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। साली कारकर्दगी जिस तरह कजाफी स्टेडियम पहुंची है चेयरमैन, क्या सूरत हाल रहने वाली है, तैयारियाँ कैसी है, क्या सोचा जा रहा है? हम क्यों बताएं, टीवी एंकर बताएं। खैर अब तो तुम्हें सूजी चीनी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हलवा तो तुम्हें बेहतर उड़ो के हगने से मिलता है। तो क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, सूरत हाल क्या है इस वक्त, टीम की तैयारी कैसी देख रहे हैं आप? बहुत ही बड़े हैं, समझ जाएं। कुत्तों की तरह हार रहे, कुत्तों की तरह। कि आज साउथ अफ्रीका को चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में शिकस्त देनी है। कैसे? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इसके अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, डू और डाई वाला ऑप्शन है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? कांटा बन गई चाल तेरी मस्तानी, कप्तान बाबर आजम इसकी सबसे बड़ी मिसाल। पाकिस्तान की जगह साई होगी, दुश्मन भप्ती कसेंगे, सिचुएशन का मजा लेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट की आलमी जंग मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद फाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। कप्तान बाबर आजम को कौमी टीम पर एतमाद, टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम बहुत बार गिर कर उठ चुके हैं, हमने बतौर टीम बहुत बार खुद को संभाला है, हम जीत पर तवज्जो देना है फिर से आगे रे बाबा, जबकि हमें गेम प्लान पर अमल करना है। पाकिस्तानी इतने इतने ज्यादा, अब क्या है मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन अब बाबर आजम तो गया। बाबर पर दोस्तियां निभाने और दिफाई हिकमत अमली अपनाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कैप्टन के पद से गया और पाकिस्तान भी गयो। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को उनके ओहदे से हटाने के लिए कई साबिक कप्तान मुतहरिक और फाल हो गए हैं। पीसीबी में मुसलसल तब्दीलियां और ऑनलाइन कोच मिकी आर्थर को टीम की तबाही की वजह करार देते हैं। सही है, सही है, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। साउथ अफ्रीका को हराना बहुत जरूरी होगा आज पाकिस्तान के लिए। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को भरपूर तरीके से 100% अपना देना होगा। ये हसन अली को बुखार है। आज का मैच इतना खुखार और इतना धमाकेदार होने वाला था, इनको पहले से ही पता था कि इनको मुंह की पड़ेगी, उसके डर के कारण आधे खिलाड़ियों को तो बुखार आ गया। बाबर आजम तू भी बोल देता मेरे को गोबर आ गया, प्रेशर बन गया, पाद आ रही है। जिसकी वजह से आज वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो वसीम जूनियर का चांस है, उसामा भी बीमार है, आखिरी वक्त में भी कोई ना कोई तब्दीली कर सकती है। बाकी दो चेंजेस तो कंफर्म है, हसन अली की जगह वसीम जूनियर है। पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, ये हमेशा नीचे से उठ के आती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जरूर कमबैक करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार कुछ होगा। पाकिस्तान अपनी जीत यकीनी बना सकता है, पूरी कौम
को इंतजार है आज के मैच का, क्योंकि एक बड़ा अहम मैच है। चलिए अल्लाह करे कि आज कंडीशंस, आप कह रहे हैं कि आप अच्छी हैं, अल्लाह करे ये जो पिच है ये भी कुछ सपोर्टिव साबित हो जाए, अदरवाइज तो इस पिच के हवाले से कहा जाता है कि ये जनाब हल्की पिच नहीं है और इस पर खतरनाक किस्म की सिचुएशन बन जाती है। और मेरे को तो बड़ा सुकून मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मजा ही आ रहा होगा, क्योंकि अपने को तो मजा सिर्फ पाकिस्तान के हार में आता है। यो किटू भाई, तब्दीलियों के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर को जिस तरह बुखार हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये वर्ल्ड कप में नया ट्रेंड आया जिसको नहीं खिलाना होता तो बुखार हो जाता है ना, अजीब सा असूल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेले जाएगा, जो मेरे अपने जराए बताते हैं हाई स्कोरिंग मैच होगा इस टूर्नामेंट का, 26वां मैच जिस तरह आपने बताया ये टूर्नामेंट का हाई स्कोरिंग मैच मुझे नजर आ रहा है और बॉल और बैट के दरमियान यकीनी तौर पर बहुत ही उमदा क्रिकेट देखने को मिलेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बाद वो तमाम मेरे ही बताते हैं तमाम चीजों को बुलाकर फ्रंट से पाकिस्तान को एक लंबा टारगेट बताना है और पाकिस्तान को बेस्ट समझते हैं टॉस जीते बैटिंग करें और बैटिंग करने के लिए साउथ अफ्रीका जिंदाबाद, साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्या ही बात है। इंग्लिश मैन मैं तुम लोगों के साथ हूं, आई एम विद यू, प्ले वेल, बीट पाकिस्तान, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। के मैच में ना, कल के मैच में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्वालिफाई कर देगा एयरपोर्ट के लिए, इंशाल्लाह। विराट कोहली जिंदाबाद, ये पाकिस्तानी जो मर्जी कहें भाई उसे मोहब्बत करेंगे सरेआम। बात वही है कि हम इनके लिए दुआई कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। नहीं डरना नहीं, अब डरना, अब डराना ही है ना, अब रहे क्या है कि अब देखिए चार मैच जीतने हैं आपने, कल जिस तरह का मैच हुआ है श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया और हमारा मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रही है, दो मैच हारने के बाद बहुत ऊपर चले गए, अब एक यही चांस है हमने अपना रन रेट बेटर करना है। फिर दूसरी टीम हमने और साउथ अफ्रीका के साथ खेला, साउथ अफ्रीका कोई आम टीम नहीं है, 2023 क्रिकेट की एक मॉडर्न टीम है, मॉडर्न कोच जो उनके कोच आए ना उसने वो तमाम चीजें मॉडर्न चीज अपने बैट्समैन बॉलर फील्डर और यकीनी तौर पर फील्डिंग लेके आए, तो ये एक चीज भी बहुत नुमाया हो गई है वर्ल्ड कप में, कोच का बड़ा अहम रोल हो गया है और साउथ अफ्रीका की कोच यकीनी तौर पर उसे तमाम चीजों को बुलाकर उनकी जितनी भी बैट्समैन की बात करें, एक बैट्समैन 3 सेंचुरी बनाता है, विकेट कीपर की बात करें तो क्लासिक बहुत ही आउटस्टिंग फॉर्म में, बॉलर फॉर्म में, तमाम शोबे फॉर्म में, हमें भी फॉर्म में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप। अगर इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आज पाकिस्तान जीतेगा और जो जो गलतियाँ इन्होंने पहले की हैं वो उनको ना दोहराएं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से पहले भी पाकिस्तान को उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है, उम्मीद तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन फील्डिंग सही नहीं होती है, कभी बॉलिंग सही नहीं कराता है, कभी बैटिंग का मसला होता है। इंशाल्लाह जो उम्मीद रखता हूँ कि रिजवान और बाबर आजम से कि वो अच्छी तरीके से खेले, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही हमारी स्ट्रीम लाइन पर है, अगर अगर ये लोग सिंसियरली खेलें तो। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग खेल से ज़्यादा दुआओं पर बिलीव करते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स, यो यो किटू भाई, और हाँ पाकिस्तान को पेल देना।